कोण मापन के तीन पद्धतियों के मध्य संबंध। तो इसके लिए हम देखते हैं कि माना कोण थीटा में डिग्री की संख्या डी रेडियन की संख्या आर व ग्रेड की संख्या जी है। अब चूंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है तो एक डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं 1/90 समकोण। अब दोनों पक्षों में आप d का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा d डिग्री बराबर d/90 समकोण। और हमने यहां पर कहा है कि माना कोण थीटा में डिग्री की संख्या d है, मतलब d डिग्री जो होगा वो थीटा कोण के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर d/90 समकोण। इसे हम समीकरण एक का नाम देते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि पाई रेडियन ये दो समकोण के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 रेडियन बराबर 2/पाई समकोण। दोनों पक्षों में हम आर का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा आर रेडियन बराबर 2r/पाई समकोण। और यहाँ पर हमने कहा है कि माना कोण थीटा में रेडियन की संख्या आर है तो ये आर रेडियन जो होगा ये थीटा के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 2r/पाई समकोण। इसे हम समीकरण दो का नाम देते हैं। अब आगे चलते हैं इसी प्रकार ग्रेड के लिए। 100 ग्रेड जो होता है ये एक समकोण के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 ग्रेड बराबर 1/100 समकोण। दोनों पक्षों में यदि हम जी का गुणा कर दें तो हमें मिलेगा जी ग्रेड बराबर g/100 समकोण या g/100 समकोण। तो देखिए यहां पर हमने कहा है कि माना कोण थीटा में ग्रेड की संख्या जी है तो यहाँ से हम जी ग्रेड को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर g/100 समकोण और इसे हम समीकरण तीन नाम देते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए ये समीकरण 1 है थीटा बराबर d/90 समकोण है। दूसरा समीकरण है थीटा बराबर 2r/पाई समकोण है। और तीसरे समीकरण में थीटा बराबर g/100 या g/100 समकोण है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं d/90 इक्वल टू 2r/पाई इक्वल टू g/100। तो ये रिलेशन है डिग्री रेडियन और ग्रेड में। इस अंतर संबंध का उपयोग करके हम डिग्री से रेडियन में, डिग्री से ग्रेड में, या फिर रेडियन से डिग्री में, रेडियन से ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, तीनों को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे हम एक प्रमेय देखते हैं जहां पर रेडियन एक अचर कोण है। यह हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम निर्देशाक्ष लेते हैं x अक्ष और y अक्ष। ये x x डैश, ये y और y डैश। इन दोनों का जो कटान बिंदु है ये O, इसे मूल बिंदु कहेंगे। और इससे एक वृत्त खींचते हैं
जिसकी त्रिज्या आर है, आर जो है ये वृत्त की त्रिज्या है। और इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु बी इस प्रकार लेते हैं कि कोण ए ओ बी, ये ए है वृत्त, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है धनात्मक दिशा में वह ए है, और बी बिंदु वृत्त की परिधि पर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए ओ बी बराबर एक रेडियन, अर्थात ए से बी के जो बीच की लंबाई है या चाप की जो लंबाई है यह भी आर के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तब यहाँ पर जो बना कोण है इसे हम एक रेडियन कहेंगे, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा है ए ओ सी बराबर दो समकोण, तो यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा हमें सी जो कि दो समकोण के बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंश और यहाँ से और आगे आएंगे तो 90 अंश, तो इस तरीके से 180 अंश बराबर दो समकोण। तो आपको यह पता है कि किसी वृत्त में उसके केंद्र पर बना कोण कोण के सम्मुख चाप की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए स्टेटमेंट यह है, किसी वृत्त में उसके केंद्र पर बना कोण, देखिए ये केंद्र है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कोण के सम्मुख चाप की लंबाई, मतलब ये जो कोण है इसके सम्मुख चाप क्या है, ए बी एक चाप है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर बनने वाला जो कोण है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। देखिए अगर यहाँ से ये बी टेंस्ट करते हुए ये सी पर आ जाए तो ये ज़ीरो या यहाँ पर ये वन रेडियन है, वन रेडियन से ये टू पाई रेडियन पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोण जो है यह चाप के समानुपाती होता है, या फिर आपने ये पढ़ा हुआ है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या फिर इसे आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। तो तुलनात्मक रूप से हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी अपॉन चाप ए बी, देखिए ये ए है ये ओ है और ये बी है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण और ये चाप की लंबाई का अनुपात। इसी तरीके से कोण ए ओ सी, ये ए है ओ है और सी है और चाप की लंबाई ए सी, तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई ए सी। तो हमने ये पहले ही कहा था कि ए ओ बी जो है वो एक रेडियन का है, तो हम लिखेंगे एक रेडियन अपॉन आर, ए बी जो है ये आर लंबाई की चाप है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर। और ए ओ सी हमने कहा है कि ये क्या है, दो समकोण है, तो हमने इसे दो समकोण लिखा। आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो ये आधा परिधि को हम ले रहे हैं ए से लेकर के सी तक, तो आप यहां पर लिखेंगे पाई आर। तो इस तरीके से यहां से हमें मिल जाएगा एक रेडियन बराबर, ये देखिए यहां पर आर है और यहां पर आर है, ये कैंसिल हो जाएगा, दो बट्टे पाई समकोण, दो अचर राशि है, पाई भी एक अचर राशि है, तो दो अचर राशियों का जो अनुपात होगा यह भी एक अचर राशि होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक रेडियन बराबर एक अचर राशि है, और यही हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्न देखते हैं, रेडियन से अंशों में बदलिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 2 पाई अपॉन 15 रेडियन,
रेडियन के लिए हम यहाँ पर सी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिग्री के लिए ये इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से रेडियन के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये जो रेडियन में हमें मान दिया गया है उसे हमें अंशों में बदलना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि डी अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2R अपॉन पाई। ये मान रेडियन में दिया गया है और अंशों में व्यक्त करना है, मतलब पहला और अंतिम जो रिलेशन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, d अपॉन 90 इक्वल टू 2R अपॉन पाई। तो ये जो मान है रेडियन में उसे हमें अंशों में बदलना है, तो d डिग्री होगी, ये इसको हम उस तरफ गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 2R अपॉन पाई इंटू 90। तो d बराबर हमें जो कोण का मान ज्ञात करना है अंशों में, और रेडियन के स्थान पर यह मान हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 15 इंटू 90। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा 4 अपॉन 15 इंटू 90। और इसको आप गुणा करेंगे तो ये 6 टाइम आ जाएगा, तो 4 गुणित 6 इस तरीके से 24। तो ये जो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन है ये 24 डिग्री के बराबर है और यही हमें ज्ञात करना था। या फिर आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो सीधे आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 पाई अपॉन 15 रेडियन है तो 2 पाई के जगह में आप 180 अंश रख दीजिए अपॉन 15, ये जो होगा ये डिग्री में आपको मिलेगा। अब इसे हल करेंगे तो 15 एक से और ये 12 बार में जाएगा, तो 15 12 180, तो इस तरीके से 2 गुणित 12 आपको 24 डिग्री मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली पाई रेडियन के जगह में आप 180 डिग्री रख सकते हैं, या फिर ये जो संबंध हमारे पास है इसका आप इस्तेमाल करके उसे रेडियन को अंशों में बदल सकते हैं। चलिए इसमें दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर पाई बाई 8 रेडियन है, इसे हमें अंशों में बदलना है। तो हम जानते हैं कि टू आर अपॉन पाई इक्वल टू डी अपॉन 90। तो यहाँ पर जो रेडियन का मान है रख दीजिए 2 अपॉन पाई, रेडियन का मान है पाई अपॉन 8 अपॉन डी अपॉन 90। ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये एक और ये 4 बार में जाएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो 1/4 इक्वल टू डी अपॉन 90 है, आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा डी इक्वल टू 90 अपॉन 4। तो 90 अपॉन 4 को जब आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/4। देखिए 22 से 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 88, और 88 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। तो इस तरीके से इस तरफ जो मान आ रहा है ये दशमलव में आएगा, और ये जो हम लिख रहे हैं ये डिग्री में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे आगे लिख सकते हैं, ये पहला वाला मान डिग्री में आएगा और दूसरा जो 2/4 है इसे सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1/2, और यदि इसमें हम 60 का गुणा कर दें तो ये डिग्री के बाद मिनट में आ जाएगा। अब इसे आप आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। तो इस तरीके से हमने एक प्रश्न जो रेडियन में दिया गया था उसे हमने अंशों में परिवर्तित कर लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर हमें मान दिया गया है 1/4 रेडियन। तो फिर से हम इस संबंध का उपयोग करेंगे, वो ये है कि टू आर अपॉन पाई इक्वल टू डी अपॉन 90। आर के स्थान पर यह मान रख दीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 1/4 इक्वल टू डी अपॉन 90। डी का मान हमें ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे डी, ये 2 से 1 बार और ये 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपको मिल रहा है 2 पाई, ये हर में 2 पाई है और 90 ऊपर में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख पाएंगे 45 अपॉन पाई। अब पाई का मान जब 22/7 रखेंगे तो आपको इस तरीके से इसे हल करना पड़ेगा, और ये मान आपको मिल जाएगा 315/22, और ये डिग्री में है।
तो फिर से आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 सही 7 बटे 22 डिग्री, ये डिग्री में है। तो पूर्व की भांति इसके बाद जो संख्या मिल रही है आपको यहाँ पर, ये मिनट में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 14 डिग्री। और 7 बटे 22 में आप 60 का गुणा कर दीजिए, आपको ये मिनट में मिल जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 14 डिग्री और फिर 19 सही 1 बटे 11 मिनट, ये वाली राशि मिनट हो जाएगी। इसे और 1 बटे 11 को हम 60 का गुणा कर देंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट और फिर 1 बटे 11 में 60 का गुणा कर दीजिए और आप इसे सेकंड में लिख पाएंगे। तो इसे जब आप हल करेंगे, ये 14 डिग्री 19 मिनट एक डैश मिनट के लिए और सेकंड के लिए डबल डैश का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से ये लगभग मान हमें प्राप्त हो रहा है कि 1/4 रेडियन जो होगा वो 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड के बराबर होगा। चौथे प्रश्न में दिया गया है 11 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो फिर हम जो संबंध जानते हैं हम उसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि 2R अपॉन पाई इक्वल टू डी अपॉन 90, जो मान रेडियन में दिया गया है उसे हम R के स्थान पर रख देंगे तो मिल जाएगा 2×11/π बराबर डी बटे 90। डी का मान हमें ज्ञात करना है तो आप इसे लिखेंगे डी इक्वल टू 2×11×90 अपॉन पाई। अब पाई का मान जो है आपको हल करने पर 22/7, या पाई को आप 22/7 की इक्विवेलेंट लिखते हैं तो आप लिख पाएंगे डी बराबर 2×11×90 और ये 22 और ये जो 7 है ये अंश में चला जाएगा। तो 11 दुनी 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है 90×7। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 630 डिग्री। तो ये जो आपका 11 रेडियन था या 11 रेडियन था ये 630 डिग्री के बराबर है और यही हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है डिग्री से रेडियन में बदलिए। तो पहला प्रश्न है 75 डिग्री और इसके लिए भी आपको जो संबंध हम जानते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो यह है कि 2π/r=d/90। यहाँ पर जो मान दिया गया है ये डिग्री में है तो डी के स्थान पर आप 75 डिग्री या 75 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो आप लिख पाएंगे 2π/r=75/90 और r का मान आपको ज्ञात करना है तो r को पक्षांतर कर देंगे तो आप लिख पाएंगे 2π/75×90। आप 15 से 6 इसको भाग देंगे 90 को तो ये 6 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा तो R इक्वल टू लिख सकते हैं 2π × 6/5 और इसे जब आप तो इसे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12π/5 रेडियन। तो यही हमें ज्ञात करना था तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 75 डिग्री = 12π/5 रेडियन। इसमें दूसरा प्रश्न लेते हैं 520 डिग्री। तो इसके लिए भी हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि 2π/r=d/90 तो यहाँ से आप डायरेक्टली r की वैल्यू लिख सकते हैं r=2π/d×90। तो मान रख दीजिए r=2π और d का मान है 520 डिग्री और यहाँ पर ये 90। तो इसे जब आप हल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 26π/9, ये मान रेडियन में है और यही हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 520 डिग्री इक्वल टू 26π/9 रेडियन और ये इसके लिए उत्तर है। दूसरा, इस संबंध को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से कि आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर
पाई रेडियन होता है। तो इस तरीके से एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन आप लिखेंगे। और यहाँ पर पूछा गया 520 अंश के लिए, तो 520 डिग्री इक्वल टू, आप दोनों तरफ में 520 का गुणा कर रहे हैं, तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपको अल्टीमेटली यही मिल जाएगा, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो दो अलग अलग विधियां हैं, आप इस सूत्र का उपयोग करके भी हल कर सकते हैं और इस सूत्र का उपयोग करके भी डिग्री से आप रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसमें एक तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया गया है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। तो हम पीछे से हल करते आते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड में यदि हम 1/60 का गुणा कर दें या इसको 60 से भाग दे दें तो हमें यह मिनट में मिल जाएगा। तो इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल रहा है 1/2 मिनट। इस तरीके से अब अंतिम दोनों को लें तो 37 मिनट और 30 सेकंड है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 37 सही 1/2 मिनट, और आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 75/2 मिनट। अब ये जो मिनट है 75/2, इसमें आप 1/60 का गुणा कीजिए, आप इसे डिग्री में लिख पाएंगे। तो इस तरीके से इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/8 डिग्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड जो होगा ये 5 सही 5/8 डिग्री के बराबर होगा। इसे जब आप हल करेंगे, देखिए 8 और 5 के गुणा करेंगे 40 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 45, 45/8 डिग्री ये आ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2R अपॉन पाई इक्वल टू डी अपॉन 90, ये जो मान है ये डिग्री में है, यहाँ पर डी के स्थान पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 2R अपॉन पाई इक्वल टू 45/8, ये डी के स्थान पर हमने रखा है, और ये 1/90। R का मान आपको ज्ञात करना है, R इक्वल टू मिल जाएगा 45/8 इंटू 1/90 इंटू ये पाई अंश में चला जाएगा और ये जो 2 है ये हर में आ जाएगा। तो देखिए 45 से ये दो बार में जाएगा, तो इस तरीके से आप इसे हल करके लिखेंगे पाई अपॉन 16, ये एक बार में जाएगा और ये दो बार में जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 और 2 4 हो गया, गुणा करने पर 8 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 32। तो इस तरीके से ये 32 पाई बटे 32 रेडियन के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड जो होगा ये लगभग पाई बटे 32 रेडियन के बराबर होगा, और यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में भी हमें डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करना है। प्रश्न में दिया गया है कि 40 डिग्री 20 मिनट, तो पूर्व की भांति हम पीछे से हल करते आएंगे। ये जो 20 मिनट है इसे आप 1/60 से गुणा करके आप डिग्री में लिख सकते हो, तो ये मिल जाएगा 1/3 और ये डिग्री में है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 40 and 1/3, ये है आपका डिग्री में। इसे आप गुणा करेंगे तो देखिए 40 और 3 का गुणा करेंगे 120, 120 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121/3, ये डिग्री में है। अब आपको पता है जो संबंध हम हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं वो ये कि 2R अपॉन पाई इक्वल टू डी अपॉन 90। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं डिग्री इक्वल टू 2R अपॉन पाई इंटू 90, और इसे देखिए 90 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 180 R अपॉन पाई। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप इसे हल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 121/3, इसमें आप पाई अपॉन 180 को गुणा कर दीजिए। देखिए पाई अपॉन 180 का गुणा कर देंगे तो ये मान हमें रेडियन में मिल जाएगा, और इसे जब आप और आगे हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं 121/540 पाई रेडियन।
तो ये जो 40 डिग्री 20 मिनट है ये 121 बटे 540 और पाई रेडियन के बराबर है। यहाँ पर ये मान अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, वो ये कि 2R अपॉन पाई इक्वल टू जो d है उसके जगह में आप लिखेंगे 121 अपॉन 3 और ये 90 है 1/90, तो R इक्वल टू आप लिखेंगे 121 अपॉन 3 इंटू 1/90, तो ये जो पाई है ये अंश में चला जाएगा और ये जो 2 है ये हर में आ जाएगा, और इसको भी आप जब हल करेंगे तो आपको यही मान मिलेगा। अगला प्रश्न है 6 रेडियन को अंशों में बदलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से आप एक रेडियन बराबर लिख सकते हैं, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई। हमें 6 रेडियन का मान निकालना है तो दोनों तरफ 6 का गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुणित 6, और ये जो मान है ये आपको डिग्री में मिल रहा है। आगे हल करने के लिए पाई के स्थान पर 22 बटे 7 लिखेंगे, तो 180 गुणित 6 बटे 22 और 22 बटे 7 जो है वो 7 अंश में आ जाएगा, तो इस तरीके से जब आप इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 7560 बटे 22। ये डिग्री में पूरा का पूरा मान जो है ये डिग्री में चल रहा है। आगे इसे हल करने पर आपको मिलेगा 343 सही 14 बटे 22 डिग्री। पूर्व प्रश्न में जैसा हमने हल किया था कि ये जो 343 है ये डिग्री में है और 14 बटे 22 जो है इसमें हम 60 का गुणा कर देते हैं और इसे मिनट में परिवर्तित कर देते हैं, तो 14 बटे 22 को आप 7 बटे 11 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे 343 डिग्री धन 7 बटे 11 गुणित 60, ये मिनट में है। इसे हल करने पर आपको मिलेगा 343 डिग्री धन, इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38 सही 2 बटे 11, ये मिनट में है। तो 343 डिग्री फिर इसे आप 38 मिनट दे दीजिए और साथ में 2 बटे 11 है इसमें आप 60 का गुणा कीजिए और इसे आप सेकंड में परिवर्तित कर दीजिए, तो इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और ये आपको मिल जाएगा 10.9 सेकंड के बराबर। तो आप इसका एक लगभग मान ले सकते हैं, वह यह कि 6 रेडियन या 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड, यह निकटतम मान है